हेलो, बेस्ट ऑफ लक नवीन चौधरी। चला बस देवेंद्र जी, आपकी माइक ऑन करिएगा, बाकी प्लीज सभी लोग म्यूट म्यूट जाइएगा। तो अभी फिलहाल हम लाइव जा चुके हैं, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। यह हमारी 12वीं फसल सभा है, जिसमें हम लोग ये अलग क्रॉप जो है टोमेटो, जो भारत के बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्टेट में इसका इसकी खेती की जाती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोटीन मेंबर है, जो आपको हर फ्राइडे को अलग अलग क्रॉप के ऊपर, अलग अलग आपकी जो समस्याएं होती है उस पे आपको वो निर्देशन देते हैं। तो हमारे साथ इस बार जुड़े हुए हैं देवेंद्र चौधरी जी, जो टोमेटो क्रॉप के ऊपर वो स्पेशलिस्ट है। अभी वो जो प्रेजेंटेशन देंगे तो उसका फ्लो ऐसे ही रहेगा, पहले वो प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप हमें कमेंट थ्रू पूछ सकते हो, और उसके बाद जो भी आपका जो क्वेरीज के जो सॉल्यूशंस होंगे, जो जवाब होंगे, वो हमारे प्रोटीन मेंबर देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो देवेंद्र जी, उसके पहले, उसके बाद, प्रेजेंटेशन के बाद, पूरे क्वेश्चन होने के बाद, हम हमारा जो छठा जो एरीज एचडी विनर कॉन्टेस्ट का, जो एचडी कॉन्टेस्ट जो हम लोगों ने रखा था, मिस कॉल कॉन्टेस्ट, जो उसमें से लकी ड्रॉ जो है, जो आज छठा मेंबर रहेगा वो अनाउंस करेंगे। तो जरूर हमारा हमसे आखिर तक जुड़े जुड़े रहिएगा। देवेंद्र जी प्लीज, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। देवेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो सर, आवाज आ रही? यस हेलो यस यस, आ रही आ रही। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं एरिज एग्रो लिमिटेड कंपनी से देवेंद्र चौधरी, मेरा जो डेजिग्नेशन है ज्वाइंट एरिया सेल्स मैनेजर। आज की फसल सभा में हम टमाटर की फसल पर बात करेंगे। जैसे कि टमाटर की फसल जो है लगभग बहुत सारे राज्यों में लगती है, बड़े स्तर पे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, जिसमें अधिक मात्रा में लगती है। और टमाटर की अधिक मात्रा में लगने वाली वैरायटीज जो है हमारे पास, उसमें है सेमिनस कंपनी की एक वैरायटी है अभिलाष, और सिंजेंटा सीड्स का की वैरायटी है शाहो, और एक वैरायटी और है उसका आयान, और एक है क्लाउड सीड्स जिसकी वैरायटी है दर्श, और एक है मुनैम सीड्स जिसकी वैरायटी है आहन। यह वैरायटी काफी बड़े स्तर पर लगती है, और जैसे कि सभी राज्यों में लगभग ये वैरायटी सभी राज्यों में चलती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे नर्सरी की। नर्सरी जो है हमारी टमाटर की नर्सरी 25 से 30 दिन में रेडी होती है, और जो पर एकड़ प्लांट का जो है हमारा, इसमें टमाटर का एक एकड़ में 6 6,000 प्लांट लगते हैं। और जैसे कि हम अगर उसकी बेड की बात की जाए तो बेड हम 5 फीट पे बेड इसका बनाते हैं, और प्लांट से प्लांट की जो दूरी रहती है, पौधे से पौधे की दूरी हम 18 सेंटीमीटर पे रखते हैं, जिसमें हमारे एक एकड़ में 6,000 प्लांट जाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसप्लांटिंग में हमारा जो फर्स्ट ट्रांसप्लांटिंग होता है 25 जून से 15 जुलाई, और सेकंड में जो होता है 15 जुलाई से 15 अगस्त। और जो हमारा बेसल जो रहता है सॉइल एप्लीकेशन, उसमें हमारा जो रिकमेंडेशन है जो गोबर खाद जो रहेगा हमारा 6 से 8 टन प्रति एकड़, डीएपी 50 kg, ऑर्गाक्रोम 100 kg, ऑर्गा पोटास 100 kg, और एरिस न्यूट्रंस बैग जो आता है हमारा इस कॉम्बो किट, ये 24 kg 250 ग्राम का, ये हमारा एक एकड़ का सॉइल एप्लीकेशन डोज होता है। सर नेक्स्ट। जैसे कि अब ट्रांसप्लांटिंग होने के 5 से 10 दिन के बाद हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट चालू होता है। यहाँ होता है फास्फोकॉप 250 ml और प्लांटोमाइसिन 100 ग्राम। प्लांटोमाइसिन और फास्फोकॉप से हमारा जो ड्रेंचिंग देते हैं उसमें हमारा कॉपर फास्फोनेट हो जाता है फास्फोकॉप, और प्लांटोमाइसिन है एंटीबायोटिक।
जिससे हमारा कॉपर फास्फोरेट और प्लांटोमाइसिन साथ में देने से फास्फोरस और कॉपर जाने से नीचे से जड़ से संबंधित जितने भी फंगस हैं और बैक्टीरिया है, यह हमें काफी अच्छा इसका रिजल्ट होता है कि आने वाले फंगस को भी कंट्रोल कर देता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा बढ़ा देता है। इसलिए हम पहले सबसे पहले उसको फास्फोकॉप और प्लांटोमाइसिन से हमारा शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अब फर्टिगेशन की हम बात की जाए तो हम सबसे पहला फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं 5 से 7 दिन के बाद। जो हमारा फर्स्ट फर्टिगेशन स्टार्ट होता है, हमारा माइक्रोफर्ट 20-20 2 kg और एग्रोमिन मैक्स FS 250 ग्राम, या हमें प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में भी हम इसे चला सकते हैं। और ये चलवाना हमें 7 से 20 दिन तक, और उसके बाद में सेकंड में हमारा 20 से 25 दिन में हमें जो देना है, हमारा प्लांट 13-40-13 2 kg और एग्री प्रो 250 ग्राम। इसे भी सेम उसी तरीके से चलाना है, एक प्रतिदिन भी दे सकते हैं या 1 दिन के अंतराल में भी दे सकते हैं कोई दिन। और उसके बाद हमारा फिर थर्ड में आता है 12-61-0 2 kg और एग्रोमिन गोल्ड 250 ml, यह हमें 25 से 35 दिन तक इसे देना है। उसके बाद में हमारा आता है 052-34 3 kg और एरिस्टोटल 500 ml, यह भी हमें सेम उसी तरह 35 से 45 दिन तक देना है। उसके बाद में हम देते हैं 13-045 3 kg और एक्वाकल्ट 1 लीटर, यह हमें 45 से 55 दिन की अवस्था में देना है। उसके बाद में हम देते हैं कॉम्बिकल 4 kg और बोरान 500 ग्राम, यह हमें 55 से 60 दिन की अवस्था में देना है। और उसके बाद में देते हैं 052-34 3 kg हाइड्रोप्रोगोल्ड 500 ग्राम 500 ml, यह हमें 60 से 70 दिन की अवस्था में देना है। उसके बाद में हमें देते हैं 13-045 3 kg एक्वाकल 1 लीटर, यह 70 से 80 दिन की अवस्था में। और लास्ट जैसे 80 से 85 दिन में हम फर्टिसोल 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम दे सकते हैं। यह फर्टिगेशन कंटिन्यू हमें क्रॉप को देखते हुए इसमें अल्टरनेट और कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो शेड्यूल बना है उस हिसाब से हम इस तरीके से शेड्यूल चलवाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हम अब अभी तो हमारा ड्रिप एरिकेशन का शेड्यूल हमने बताए थे, अभी यह सेकंड शेड्यूल है हमारा फॉलियर स्प्रे में। फॉलियर स्प्रे में हम लेते हैं HG 20-20 20 ग्राम और एग्रोमिन गोल्ड 25 ml, या 15 लीटर पानी में हम लेते हैं। इसको हमें फर्स्ट स्प्रे करना है 10 से 15 दिन की अवस्था में, और सेकंड स्प्रे में हम लेते हैं HD 11-52-0 और 20 ग्राम और एग्री प्रो 25 ग्राम 15 लीटर पानी में हमें इसको स्प्रे करना है, और यह हमें स्प्रे देना है 20 से 25 दिन की अवस्था में। और थर्ड हमारा स्प्रे आता है HT 0134 20 ग्राम हाइड्रोप्रोगोल्ड 40 ml, 15 लीटर पानी में हमें इसको स्प्रे करना है 35 से 40 दिन की अवस्था में। फिर चौथा स्प्रे होता है हमारा हॉर्टिस्टा 50 ग्राम और एंटॉक्स 40 ml, यह हमें स्प्रे देना है 45 से 50 दिन की अवस्था में। पांचवा स्प्रे हमारा आता है HD 13045 20 ग्राम एक्वाकल 40 ml 15 लीटर पानी में 55 से 60 दिन की अवस्था में हमें यह स्प्रे करना है। और छठवा स्प्रे है हमारा हर्टिसोल मोबिविन और प्लांटोमाइसिन। हर्टिसोल हम 70 ग्राम लेते हैं, मोबिविन 25 ग्राम और प्लांटोमाइसिन 10 ग्राम, यह हमें 70 से 75 दिन की अवस्था में स्प्रे करना है। तीसरा स्प्रे आता है हमारा पराक्रम का, यह हमें 30 ml 15 लीटर पानी में, यह स्प्रे हमें देना है 40 से 45 दिन की अवस्था में, जैसे फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट सेटिंग स्टेज जो होता है उस स्टेज में, जिससे यह जो पराक्रम है हमारा CTTU है या साइकोटेनिक क्लोराइड, जिससे इसमें विभाजन और कोशिकाओं का विस्तार के लिए है, जिससे फल का सेटिंग भी बहुत अच्छा होता है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा सेट होता है। इससे हमें 40 से 45 दिन जो फ्लावरिंग अवस्था आती है 40 से 45 दिन, उसके बाद में जैसे फ्लावर को फ्रूट डेवलपमेंट की स्थिति में और सेकंड बाद में और स्प्रे ले सकते हैं इसका, आपका फल का साइज बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड।
जैसे डिसीज की बात की जाए तो टमाटर में अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट का सिम्टम्स आता ही आता है, जिसमें हम अर्ली ब्लाइट के लिए मैंकोजेब 45% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ की डोज से चलवाएंगे, या मैंकोजेब 75% जो आता है WP वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चलवाएंगे। लेट ब्लाइट के लिए हम मेटालेक्सन 8% प्लस मैंकोजेब 64% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। यह अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट में अच्छा काम करता है। सेकेंड डिसीज में आता है लीप माइनर। लीप माइनर के लिए हम डेल्टा मेथिन 100 TC या 100 ML प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं। सेकेंड में अगर हम सेकेंड ऑप्शन में ले सकते हैं बीटा साइक्लोथ्रीन प्लस इमिडा क्लोरपिट का कॉम्बिनेशन आता है, यह 250 ML प्रति एकड़ की डोज से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और जो है हमारा बैक्टीरियल बिल्ड, जिसके लिए हम रजत HD 50 ML प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से इसको चलवा सकते हैं। और सेकंड में हम ले सकते हैं काशुगामाइसिन और कॉपर हाइड्रोक्साइड, काशुगामाइसिन 1.5 ML और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3.3 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से। और थर्ड में हमारा ले सकते हैं प्लांटोमाइसिन 1 ग्राम पर लीटर वाटर और फॉस्फोकॉप 1.25 ML पर लीटर वाटर के हिसाब से हम इसे बैक्टीरियल बिल्ड के लिए दे सकते हैं। और जो रजत HD हमारा 50 ML प्रति एकड़ के हिसाब से जाएगा, जिसमें आपका बैक्टीरियल बिल्ड तो भी कंट्रोल होता है और बैक्टीरियल बिल्ड में चलेगा, बैक्टीरियल ब्लाइट में बैक्टीरियल लिप स्पॉट में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि रजत HD है, इसको हम किसी भी कॉपर वेस्ट के साथ हम यूज नहीं करते। जैसे रजत HD हम जब भी यूज करें 2 दिन पहले ना कोई कॉपर का यूज करना है, और 2 से उसके 3 से 4 दिन तक भी कोई कॉपर वेस्ट इसमें फंगिसाइड हमें नहीं देना है, जिससे हमारा वो बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट लेना है, तो उसमें 4 से 5 दिन कोई कॉपर का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। निमोटोट की शिकायत टमाटर में वैसे आती ही आती है। निमोटोट के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है निमोचेक, इसको हम अगर प्री में लेते हैं निमोचेक को तो 500 ML प्रति एकड़ जाता है। जैसे निमोटोट आने के पहले ही अगर हम ट्रांसप्लांट के 20 से 25 दिन के अंदर अगर निमोचेक चलवा दे तो 500 ML प्रति एकड़ के हिसाब से जाएगा। और जहाँ जिस प्लांट में निमोटोट आ चुका है उस प्लांट में हमें निमोचेक को 500 ML प्रति एकड़ के हिसाब से देना है, और हर 7 दिन में रिपीट करना है, ये 3 बार रिपीट करना है, तो इसमें काफी अच्छा कंट्रोल हो जाता है निमोटोट का। यह निमोटोट जहां के वहां रुक जाता है और आगे बढ़ने नहीं देता निमोटोट को। थैंक यू सर। ओके। तो अभी देवेंद्र जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है टोमेटो क्रॉप के ऊपर, अभी आपको मैं किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग एनी डिफिशियंसी बोलो या किसी न्यूट्रिएंट के अभाव के बारे में बोलो या कुछ भी, अगर टोमेटो क्रॉप रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज या आपको कुछ सवाल होंगे तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करके वो भेज सकते हो, जिसका सॉल्यूशन और जिसका आंसर हमारे प्रो टीम के जो मेंबर है देवेंद्र देवेंद्र जी और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आपको वो आंसर दे देंगे। तो मैं कृपया 2 मिनट देवेंद्र जी हम लोग वेट करते हैं क्वेश्चंस का भी, जी तो जो क्वेश्चंस जी आएंगे जी उसका फिर हम उनको सॉल्यूशन दे देंगे। सर।
देवेंद्र जी, एचडी के जो नए प्रोडक्ट आए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। मतलब उसका जो इफेक्ट है जो टोमेटो क्रॉप के ऊपर, जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एचडी में हाई डेंसिटी प्रोडक्ट में माइक्रोफ्लूइड 20-20 है, 11-52-0 है, 13-045 है, 0-52-34 है और 0-050 है। एचडी जो हमने इस बार सर, हमारा जो किसान भाई, जो हमारा खुद का जो नॉलेज रहा है कि कंटिन्यू बारिश होने की वजह से ड्रिप एरिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया था, तो जिसमें हमने एचडी का जहाँ कुछ समय मिला कि हमें स्प्रे करवाना चाहिए, हमने कुछ फार्मरों के यहाँ एचडी स्प्रे करवाया जिसमें बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट आए। ऐसा कुछ फर्टिगेशन का कोई वो नहीं रहा कि इसमें फर्टिगेशन गया नहीं है और रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई कमी रहा, प्रॉपर बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट है। एचडी हाइडेंसी माइक्रोफर्ट 20-20 का, 11-52-0 का। हम स्टार्टिंग में जो देते हैं फर्स्ट स्टेज माइक्रोफर्ट 20-20 का, उसके बाद में क्या है कि सेकंड स्टेज में हम जो देते हैं 11-52 का, आप 20 से 25 दिन की अवस्था में ब्रांचेस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 11-52, साथ में कॉम्बिनेशन एग्री प्रो का अमीनो एसिड के साथ रिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो देते हैं। और थर्ड स्टेज में हम चलवाते हैं 35 से 40 दिन में 0-52-34 और हाइड्रोब्रो गोल्ड का, यह हमारा फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है उस समय। बहुत अच्छा फ्लावरिंग लाने के लिए एचडी 0-52-34 और हाइड्रोब्रो गोल्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हमारा फ्रूट डेवलपमेंट के लिए 13-045 और साथ में हम कॉम्बिनेशन करते हैं कैल्शियम ब्रश प्रोडक्ट हमारा है एक्वाकल, जिसमें विथ चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। ये हम 13 HD 13-045 20 ग्राम और एक्वाकल 40 ml का कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसमें हमारा फलों का साइज और शाइनिंग और फ्लावरिंग का सेटिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। एक तो साइज भी बहुत अच्छा आता है, शाइनिंग भी फलों का बहुत अच्छा रहता है। और हमारा HD 0050 भी चलवाए हैं हमने अभी। HD 0050 में आपका अच्छा वेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, वेट बढ़ाने का और मैच्योरिटी के लिए। थैंक यू सर। और किसी प्रकार का कुछ? और सवाल है हमारे यहाँ पे, पराक्रम का उपयोग फ्लावर सेटिंग के लिए बार बार कर सकते हैं क्या? जी सर, पराक्रम हम चाहे तो हर 15 से 20 दिन में हम अल्टरनेट चलवा सकते हैं, क्योंकि टमाटर में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंटिन्यू होता है सर, इसके लिए हम पराक्रम का यूज कंटिन्यू ले सकते हैं। 10 से 15 दिन में कंटिन्यू उसको अल्टरनेट कर सकते हैं। और एक सवाल है कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज बेनिफिशियल इन लीफ कर्लिंग इन टोमेटो प्लांट? लीफ कर्लिंग के लिए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे से काम करेगा? लीफ कर्लिंग अगर हो रहा है तो सर वो होता है हमारा बोरान का डिफिशियंसी होता है, जिसके लिए हम बोरान ले सकते हैं, एरीबोर ले सकते हैं और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट या एक्वाकल के साथ बोरान ले सकते हैं। कैल्शियम बोरान का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है उसके लिए, लीफ कर्लिंग के लिए। और एक सवाल है सर, तने में दाने से पड़ रहे हैं और पौधों की पत्तियां पूरी खत्म हो जा रही है, क्या उपचार करना चाहिए? सर या जो पत्तियां जो खत्म हो जा रही है, या अभी वही चल रहा है ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और फर्स्ट में आया था बिल्ट का प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम अभी हमने बताए थे कि मेटल एक्सेल मैंकोजेब ले सकते हैं, साथ में उसके साथ में हम एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं काशुगामाइसिन। मेटल एसिड मैंकोजेब के साथ में काशुगामाइसिन ले ले, जिससे हमें उसमें काफी अच्छा फायदा पड़ेगा। और एक सवाल है जिसमें लिखा है एचडी रेंज को 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के डोज से कर सकते हैं क्या? सर अभी तो जैसे कि हम लोगों ने अभी 20 ग्राम का वो प्रति पंप के हिसाब से करवाए थे, 1.6 ग्राम आता है,
उसमें भी बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी हमने कुछ फार्मरों के यहाँ से एचडी उसमें भी चलवाए हैं, ड्रिप इरिगेशन में 400 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अभी और एक सवाल जो है वो है 1261-0 और एग्री प्रो का सही यूज कब करें और कैसे करें? 1260 और एग्री प्रो का सही यूज जो है सर, हम जैसे कि 20 से 25 दिन की अवस्था होती है, हमारा ब्रांचेस की अवस्था जो होती है उस अवस्था में काफी अच्छा काम करेगा ब्रांचेस के लिए। है सर, हाई टेम्परेचर पर फ्रूट सेटिंग के लिए क्या करें? हाई टेम्परेचर पर सर फ्रूट सेटिंग के लिए हमें हमारा जो एंटॉक्स आता है, एंटॉक्स का यूज करना चाहिए, या एंटॉक्स एंटी ट्रेस एजेंट है जो से क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम एंटॉक्स देते हैं। तो एंटॉक्स एक नॉर्मल टेम्परेचर में, मतलब नॉर्मल मेंटेन करके रखता है पौधे को, टेम्परेचर ट्रेस में नहीं आने देता, जिससे हमारी जो फर्टिगेशन है, जो दवाइयां हम देते हैं, वो 100% पौधा एब्जॉर्ब करता है। और एक क्वेश्चन है, एचडी रेंज ड्रिप के लिए उपयुक्त है क्या, और है तो क्या मात्रा देना चाहिए? एचडी रेंज हमने कुछ फार्मरों के यहाँ सर अभी प्रैक्टिकल किए हैं, हम दे रहे हैं अभी उसको 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ का फर्टिगेशन चलवा रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आया उसमें भी। और सर, 2020-20 एचडी के साथ एग्रोमिन मैक्स को ड्रिप पे दे सकते हैं क्या? जी दे सकते हैं सर। और क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, फिर भी 1 मिनट हम वेट करेंगे। हाँ, जी सर, जी सर। 1340-13 का उपयोग कब करें? 1340-13 का उपयोग कब करें? 1340-13 का हम उपयोग, इसको अगर ड्रिप इरिगेशन से ले रहे हैं तो इसको वही 20 से 25 दिन की अवस्था या 35 से 40 दिन की अवस्था तक हम 1340-13 चलवा सकते हैं। इसमें हमें फास्फोरस सबसे ज्यादा मिल जाता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो हमारा ब्रांचेस और उधर फ्लावरिंग के लिए भी फायदा करता है। और एक है HD 052-34 का एंड फंगीसाइड के साथ, मतलब एक साथ वो स्प्रे कर सकते हैं क्या? जैसे HD 0134 हम कॉपर बेस किसी भी फंजीसाइड के साथ तो लेते नहीं है, और जो जिंक बेस फंजीसाइड जो आते हैं शायद उनके साथ ले लेते हैं, बाकी ये कंपनी का रिकमेंडेशन है नहीं सर, तो हम इसमें बिल्कुल भी फंजीसाइड एनपीके के साथ यूज नहीं करवा सकते। और एक क्वेश्चन है सर, ब्लैक स्पॉट्स ऑन फ्रूट प्लीज सॉल्यूशन। जो ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं उसके लिए हम कैल्शियम और बोरान का ही स्प्रे लें, जिससे आपका जो फलों पे जो काले धब्बे आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो क्लियर हो जाए। फ्रूट येलो होने को कैसे रोके? जी सर, फ्रूट येलो होने से कैसे रोकें? क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा। येलो नहीं, मतलब फ्रूट जो ज्यादा ऐसे पकता नहीं है, थोड़ा येलो येलोइश कलर में हो जाता है, पीले पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा? उसके लिए हम सर फर्टिसोल चलवा सकते हैं, उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर का कॉम्बिनेशन है हमारा फर्टिसोल, फर्टिसोल से काफी अच्छा एकदम डार्क रेड आएगा फ्रूट, जो मैच्योरिटी होने के बाद जो पकता है एकदम रेडनेस अच्छी आती है फर्टिसोल से। ओके ओके
और एक सवाल है, जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, जो हर वेजिटेबल्स में हर उसके लिए बनाया गया है, हॉर्टीस्टार। हॉर्टीस्टार यूज करना करना हो तो कौन सा, एक सेकंड ना, ओके, हॉर्टीस्टार यूज करना है तो कौन सा स्टेज सही रहेगा? हॉर्टस्टार यूज करने का हमारा जो स्टेज है सर, ये फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में फ्लावरिंग आने के फ्रूट सेटिंग हो जाए उसके बाद में हम इसको हॉर्टस्टार को यूज करते हैं, तो जिससे हमारा फ्रूट का साइज काफी अच्छा आता है और क्वालिटी वाइज साइज आते हैं। ओके और एक क्वेश्चन जो है, प्लांटोमाइसिन का उपयोग हर फंगीसाइड के साथ कर सकते हैं क्या? जी, प्लांटोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक है, ये हर फंगिसाइड के साथ करवा सकते हैं इसको। ओके ठीक है। और बस एक लास्ट सवाल, राहुल जी, राहुल त्यागी जी का एक क्वेश्चन है कि आलू की अच्छी पैदावार के लिए कुछ बताएं। तो राहुल जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा पिछला जो सेशन है, अगर आप हमारे पेज पे अगर नीचे जाइएगा तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो पिछला सेशन है वो आलू पे हो गया था। तो उस पे आपको आपके सभी क्वेरीज के, आपके सभी प्रश्न के उत्तर वहां पे आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको वो क्वेश्चंस के आंसर अगर नहीं मिल पा रहे, तो हम फिर आप हमें फिर से मैसेंजर पे मैसेज करके आपके जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस है तो आप हमें बता पूछ सकते हो, तो हम आपको वो सॉल्यूशन दे देंगे। ओके सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देवेंद्र जी, वो है 1152 का उपयोग कब करें, क्या फायदा है और उसका क्या फायदा है? जी, 1152 का जो उपयोग है हम 20 से 25 दिन की अवस्था में करते हैं। ये 1152 हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस बेस्ड है, जिसमें हमारा ब्रांचेस और के लिए बहुत अच्छा होता है और पौधा हमारा हेल्दी आता है। ओके तो गुड, देवेंद्र जी बहुत सारे क्वेश्चन थे और बहुत सारे अलग क्वेश्चन थे एक्चुअली। आपने जो डेफिशिएंसीज वगैरह सब कुछ जो बताए थे, क्योंकि जैसे देखा जाए तो हर इंडिया में, भारत में हर जगह पे, बहुत सारे मतलब जगह पे ये क्रॉप होता है। एंड उसके लिए आपने जो जितने भी डेफिशिएंसीज, जितने भी सॉल्यूशन दिए हैं थ्रू मैसेज, और अभी जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन हुआ है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी किसान भाइयों को जितने भी सवाल थे उनका जो उनके आंसर आपको मिल चुके होंगे। और तभी भी अगर आपको कुछ अलग सवाल होंगे ये सेशन के बाद, अगर कोई भी ये सेशन देखेगा और उसके बाद अगर आपको कुछ अलग सवाल होंगे, तो प्लीज आप हमें मैसेंजर पे या हमें पर्सनली मैसेज करके हमें आपके सवाल पूछ सकते हो, जिसका हम सॉल्यूशन देने का जरूर प्रयास करेंगे। ओके तो अभी मुड़ते हैं अलग पड़ाव पर, जो हम हर फसल सभा में करते आए हैं। हर फसल सभा के बाद हम एक HD लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जो हमने रखा था, जिसका प्रोसीजर एकदम सिंपल है। आपको ये दिए गए नंबर पे मिस कॉल देना है, जो है 08010559992 9, और उसके बाद ये मिस कॉल देने के बाद आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आपको खुद को रजिस्टर करवाना है फॉर दिस कॉम्पिटिशन। और उसके बाद जितने भी जो विनर होगा, ओके हम लोग 10 विनर निकालने वाले हैं, जिसमें 5 विनर तो हम लोग, 6 विनर तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिए है, तो बचे अभी 4। तो 4 में से अभी 2-3 जो है, दो दो बड़े गिफ्ट और उसके भी थोड़े थोड़े छोटे गिफ्ट, जैसे टोटल 4 गिफ्ट अभी बच चुके हैं। तो आपको अगर ये कंपटीशन में भाग लेना है, तो आपको बस ये दिए गए नंबर पे मिस कॉल देना है, और उसके बाद खुद को एक लिंक पे क्लिक करके वो फॉर्म फिलअप करके रजिस्टर करवाना है। ओके तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग फिर से ये टाइम भी एक प्रोसीजर करेंगे, जिसमें मैं एक एप्लीकेशन द्वारा एक नंबर जनरेट करूंगा। वो नंबर जनरेट करने के बाद वो नंबर के सामने, जो नंबर फाइनल जो आएगा, वो नंबर के सामने जो नाम रहेगा वो हमारा आज का विजेता होगा। ओके तो मैं आपके सामने वो एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जहां पे आप नंबर देख पाएंगे। बस 2 मिनट।
क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो देवेंद्र जी, नहीं सर, हेलो स्क्रीन नहीं आया। ओके एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो ओके, सो मैं अभी स्क्रीन मेरी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख पाओगे एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग रैंडम एक नंबर्स जनरेट करते हैं। ओके, जब भी मैं ये रैंडमाइज नंबर ये क्लिक करूंगा तो वहां पे आप देख पाओगे कि वो नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, और उसके बाद एक नंबर पे आके रुक जाएगा, वो हमारा होगा इस फसल सभा का, इस एचडी का कॉन्टेस्ट का जो है वो छठा जो हमारा विनर होगा उसका नंबर, वो नंबर के सामने जो नाम रहेगा वो वी आर गोइंग टू अनाउंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नंबर इज 16246। ओके देवेंद्र जी, क्या गेस करोगे कौन से रीजन का ये नंबर होगा? 16246। 16246 फिलहाल में वही ये छत्तीसगढ़ शेयर ठीक है, मैं अभी एक्सेल शीट ओपन करता हूँ जहां पे हम लोगों को पता चल जाएगा कि 16426 ये जो नंबर है उसके सामने कौन विनर है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम नीचे जा रहे हैं 16426, राइट, वन सिक्स फोर टू का सिक्स है। ओके, सो 16426 है मध्य अंकित, सॉरी वन प्रदेश सिक्स टू फोर सिक्स 16246 यस, 16246। हाँ, सो मरियन्ना मातंगी, ओके, जिनका जिनका पैडी क्रॉप है, और देख पा रहे हो आप ये भी एपी रीजन से, साउथ रीजन। ओके, सो मुझे लगता है कि दो महाराष्ट्र, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश, और दो आई गेस, हाँ, दो दो आंध्र प्रदेश से है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मरियाना जी, आप इस फसल सभा के, इस एचडीए लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट के आप छठे विनर हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो बाकी के अभी बचे हुए जो चार प्राइजेस है, मतलब ऑब्वियस अभी जो 6-7 प्राइजेस है ऑब्वियस हम लोग ने यहाँ से डिस्पैच कर चुके हैं, और आपको जल्द ही हमारे जितने भी विनर है उनको वो प्राइजेस मिलेंगे, और बाकी के जो दो तीन जो बड़े प्राइजेस है उसके लिए भी अभी भी वक्त गया नहीं है, आपको बस वो नंबर पे मिस कॉल देना है। नंबर पे मिस कॉल देने के बाद आपको खुद को रजिस्टर करवाना है, और उसके बाद जब भी हम बाकी की जो चार लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट है जहाँ पे हम लोग वो नाम अनाउंस करेंगे तो शायद वो आपका भी नंबर हो सकता है, तो अभी भी मौका गया नहीं है, तो प्लीज मिस कॉल दीजिएगा, ये नंबर शेयर कर दीजिएगा, और वेट फॉर द बिगेस्ट प्राइज। एंड देवेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, और जैसे भी जैसे हम लोगों ने थैंक फसल सभा का जो कार्यक्रम हर फ्राइडे को हम लोगों ने आयोजित किया है उसमें अगर देखा जाए तो हम दोनों का, मतलब किसान भाइयों का और हमारे जो प्रो टीम मेंबर का जो कम्युनिकेशन गैप जो है, हमारे मैसेंजर थ्रू या हमारे कमेंट्स थ्रू हम जो उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो ये ऐसे ही बढ़ते रहे मैं उम्मीद करूंगा, और नेक्स्ट फ्राइडे हम अलग फसल सभा में अलग एक क्रॉप लेकर आएंगे, तभी भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू देवेंद्र जी, बाय। यू सर, थैंक यू।